लॉकडाउन नहीं है ये डिस्क्रिमिनेशन है ये लॉकडाउन नहीं है ये मुनाफ्त है ये लॉकडाउन नहीं है ये अकरबा परवरी है ये लॉकडाउन नहीं है ये जुल्म और जबर है ये लॉकडाउन बिल्कुल नहीं है ये कन्फ्यूजन है ना मरकज़ और सूबे एक पेज पर पे हैं ना ये पता कि तमीराती शोबा जिसको खोलने का ऐलान किया गया उसकी पूरी चेन डिसकनेक्टेड है नहीं पता कौन सा शोबा कैसे खोलना है दर्जी खुलता है तो उसके पास बटन नहीं अलास्टिक नहीं ज़िप नहीं कपड़ा नहीं प्लम्बर काम करना चाहता है नोटिफिकेशन में इजाज़त मिलती है उसकी सैनिटरी की दुकान खुली नहीं एलेक्ट्रीशन और तरखान उसे कहते हैं काम करो लकड़ी की दुकान खुली नहीं उसकी इलेक्ट्रीशन की दुकान खुली नहीं ये क्या है ये पूरे मुल्क के ताजरों के साथ एक मजाक है ये पूरे मुल्क के ताजरों का इस्तेसाल है मैं इस इस इस्तेसाल पर इस जुल्म पर हर फोरम पे आवाज़ तो उठा रहा हूँ लेकिन ये यू टर्न हुकूमत है हमें हर दफ़ा बुलाते हैं हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप देके दे के कर देते हैं एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कभी वज़ी सनत की ट्रक की बत्ती के पीछे कभी वज़ी कानून की ट्रक की बत्ती के पीछे और अब गुज़त चार दिनों से हमें रोज़ कह रहे हैं कि वजीर अला से आपसे मुलाकात करवाएंगे और वज़ी अल आपके मसले हल करेंगे छोटे ताजरों के लिए अलहदा पैकेज होगा दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए अलहदा पैकेज होगा बिज़नेस को चलाएंगे, कारोबार को चलाएंगे, मदद भी करेंगे कारोबार भी चलाएंगे, रोज़ नोटिफिकेशन निकालते हैं उसी की खिलाफ वर्जी खुद करते हैं पुलिस ने पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में रिश्वत का और करप्शन का बाजार ग्रम किया हुआ है ताजरों के साथ शटर खोल के जो दुकानदार अपना शटर खोलता है उसे पकड़ लिया जाता है उसे पैसे लेके छोड़ते हैं ये और उसके बाद वहाँ अगर चार या छः अफराद इकट्ठे हो जाएं तो उसको गाड़ी में बिठाते हैं अगले चौंक में पाँच सौ के बजाय हज़ार लेके छोड़ देते हैं ये क्या मजाक है ये क्या बदतहजीबी हो रही है इस मुल्क के अंदर ये क्या बदतमीजी हो रही है इस मुल्क के अंदर मैं चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मैं आपसे अब मुखातिब हो रहा हूँ मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब आपके पास सोओ मोटो का एक इख्तियार है कि पाकिस्तान का छोटा ताजर पाकिस्तान का मजलूम ताजर वो पिस गया है वो बर्बाद हो गया है उसके पास अपने रोजमर्रा के अखराज चलाने के लिए सरमाया नहीं उसे हकूमत ने कोई इमदाद नहीं दी चीफ जस्टिस साहब सोओ मोटो लें चीफ जस्टिस साहब हुकूमत को बुलाएं, चीफ जस्टिस साहब ताजरों को बुलाएँ आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसफ़ हैं आपने इंसाफ करना है हमारे साथ बे इंसाफी हो रही है हम आपसे अदल का मुतालबा करते हैं मुंशी आला है आप हम आपसे मुतालबा करते हैं हमें इस से कोई उम्मीद नहीं है हमें इस से कोई सरोकार नहीं ये हुत जो है हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है यह हकूमत इस मुल्क की मैशत बर्बाद कर रही है कारोबार बर्बाद कर रही है ताजर बर्बाद कर रही है चीफ साहब आपने नोटिस लेना है और इस मुल्क के कारोबार को मैशत को चलाना है और छोटे ताजर को अब आपने बचाना है और कोई रास्ता नहीं क्यूं? क्यों क्योंकि हम रियासत के साथ कंफ्रेंटेशन नहीं चाहते इस बीमारी और वबा के जमाने में हम नहीं चाहते चीफ जस्टिस साहब कि हम रियासत के सामने खड़े हो जाएं और एक रियासत को और मसला दरपेश हो जाए हम नहीं चाहते कि हर गली हर बाजार में लड़ाइयां झगड़े और फसाद हो जाए क्योंकि ये नौबत आ गई है अब कि अब हर गली हर बाजार हर मार्केट में लड़ाई झगड़ा होने जा रहा है इस बेहुदा और इस वाहियात किस्म के लॉकडाउन की वजह से ये कोई लॉकडाउन नहीं है काम हो भी रहा है काम नहीं भी हो रहा चोरबाजारी हो रही है और पाकिस्तान के अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है बहुत शुक्रिया